एमपी विधानसभा चुनाव के लिए भले ही मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन बयानों और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। ऐसे में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर कमलनाथ को शुभकामनाएं दी हैं, जिसको लेकर भी सियासत में अलग ही कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये शुभकामनाएं पीसीसी चीफ कमलनाथ के जन्मदिन पर सीएम शिवराज ने दी है, लेकिन कांग्रेस इससे उत्साहित है कि 3 दिसंबर को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा तो सीएम शिवराज कमलनाथ को सीएम बनने की बधाई भी देंगे। ये राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है। वहीं जन्मदिन के मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। तो वहीं कमलनाथ के बयान ने एक बार फिर सियासत गरमा दी है, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मौके पर कहा कि चुनाव में सरकार मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। कई जगहों से शिकायत भरे वीडियो फोटो भी आए हैं, जिसको लेकर जिलों से रिपोर्ट मंगाई गई है। 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद इसका हिसाब होगा। पहले साल मैंने चुनाव देखे, ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और राहुल संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज परसेंटेज फालतू बातें। लेकिन कल जो हिंसा हुई है लगातार इतनी सारी, आईडी नीचे करो तो उसकी पुलिस, शराब प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रुख रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते, शराब बट रही है, फोटो भेजते। सर, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, क्या सरकार में आने के बाद उन पर आप एक्शन लिया जा सकता है क्या? वो तो खुद देखिएगा क्या होता है। कमलनाथ के तल्ख तेवर और 3 दिसंबर का इंतजार की बात के भी कई मायने हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत बढ़ने और जनता के साइलेंट जनादेश से राजनीति विशेषज्ञ ये मानकर चल रहे हैं कि परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस इस पर नए कलेवर और कमलनाथ नए अंदाज में जरूर नजर आएंगे। भोपाल से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।